नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। गुरमीत सिंह उर्फ राम रहीम की सबसे बड़ी राजदार हनीप्रीत को पिछले 38 दिनों से 2 देश और 7 राज्यों की पुलिस ढूंढ रही है, लेकिन पुलिस हाथ मलती रह गई। आज तक के हमारे सहयोगी उस तक पहुंचे और अब खबर आ रही है कि कुछ ही देर में सरेंडर कर सकती है हनीप्रीत। फरार होने के बाद हनीप्रीत का यह पहला इंटरव्यू जिसमें वो बता रही है कि क्या हुआ था जिस रोज गुरमीत सिंह को 20 साल की सजा सुनाई गई। उसका कहना है कि सरकारी गाड़ी में उसे ले जाया गया था और इसीलिए उस पर इल्जाम लगाना सही नहीं है। अपनी सफाई, अपना पक्ष आंसुओं के बीच, लेकिन अभी दूध का दूध और पानी का पानी कानून के सामने होना है। सरेंडर कर सकती है, सुनिए ये एक्सक्लूसिव बातचीत। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक और मैं हूं सतेंद्र चौहान। मेरे सहयोगी मनोज सांगवान भी मेरे साथ मौजूद हैं और आज हम एक ऐसी शख्सियत से आपको मिलवा रहे हैं जिनके बारे में देश और दुनिया के लोग ना सिर्फ जानना चाहते हैं बल्कि उनको सुनना भी चाहते हैं। हमारे साथ इस समय मौजूद हैं हनीप्रीत इंसा। हनीप्रीत जी, सबसे पहले आप ही बताइए कि ये जो पूरा मसला हुआ है, पूरा मामला है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं सबसे पहले ये कहना चाहूँगी कि जो आपने हनीप्रीत को देखा है वो हनीप्रीत ऐसी नहीं है। हनीप्रीत को एक इस तरह से प्रेजेंट किया है कि भी वो मुझे खुद को भी डर लगने लग गया उससे। मैं इतने डर के साथ आगे बढ़ी हूँ आज कि मैं इस टाइम एक मेरी मेंटल स्थिति को मैं बयान नहीं कर सकती कि मैं क्या हूँ। मेरे को जो एक देशद्रोही का जो डाला है वो बिल्कुल ही, जब आप देखेंगे कि आपने पूरी सिचुएशन की तरफ आप ध्यान दें कि मैं पहले अपने पापा के साथ एक बेटी कोर्ट में जाती है, बिल्कुल बिल्कुल कोर्ट में जा रही है। अब इतनी सिक्योरिटी होगी तो वो कोर्ट में कैसे एंटर, बिना आपने उसके परमिशन मिली होगी तभी वो एंटर करी होगी, कोर्ट की परमिशन मिली होगी तो ही वो मैं अपने पापा के साथ, जब वो गिल्ट का हुआ उसके बाद मैं अपने पापा के साथ, कोर्ट ने मुझे परमिशन दी, मैं पापा के साथ बैठ के उनके परमिशन के। देखिए, यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि जो साजिश थी, जो दंगे भड़के, जैसे सजा सुनाई गई तो उसमें आपका नाम लिया जा रहा है कि भाई आप लोगों ने भड़काए, ऐसा था? मैं यही बता रही हूँ आपको, आप सब जो दिमाग जिसने सोच के देखिए कि भी अगर एक लड़की है, एक लड़की इतनी फोर्स, वो बिना परमिशन के साथ चली जाएगी। परमिशन मिली मुझे, मैं तब साथ बैठ के गई हूँ, उन्हीं की सरकारी गाड़ी में बैठ के गई हूँ। उन्होंने मुझे पापा के लिए जो भी सिक्योरिटी रीजंस के कारण उन्होंने चौपर कर रखा था तो उनको, हमें तो पता भी नहीं था, तो उन्होंने ही वहाँ बिठाया, वहाँ साथ गई, वहाँ जाके मुझे उन्होंने कह दिया कि यहाँ तो आप गलत आए हो, तो मैं तो गलत नहीं गई ना, मुझे आपने भेजा या आपने परमिशन दी तब मैं वहाँ गई। सारे आपने, अब आपके सारे ये वीडियोज़ हैं आपके पास, टीवी पे ये क्लिप्स आ रहे हैं, आप सब ने देखा है मुझे, सारा ट्रैवल होते देखा है, मैं उसमें कहाँ प्रेजेंट थी दंगे फंसाने में, जो हमें पता ही नहीं, जो लोग वहाँ, जो ये हुआ, ये श्रद्धालु आए हुए थे, जो शरारती तत्वों ने ये काम कर दिया, उनको तो चेक कर करके भेजा है सब पुलिस ने, अगर उनकी चेकिंग की है, उनको अगर भेजा है अंदर, वहाँ पे चेकिंग होके गई है। इस पूरे मामले में ना ऐसा कर दिया कि हनीप्रीत एक बहुत बड़ी विलेन है, बहुत बड़ी खलनायक है, बहुत बड़ी साजिश रची, तो आप क्या कहना चाहती हैं कि आप बेगुनाह? मैं बिल्कुल, आप पूरी, आपने सिचुएशन खुद देखी है, मैं कहाँ गुनहगार हूँ? मैं एक बेटी का फर्ज अदा किया मैंने अपनी कि मैं अपने बाप के साथ गई अंदर, हर बेटी जाती है, हर परिवार जाता है अपने बाप के साथ अंदर, वहाँ गई, मेरे को कहाँ आपने बोलते देखा है, मेरे को कहाँ आपने कहा है कि भी दंगे फर्ज, कहाँ आपने मेरी कहीं आपने सुनी है कि मैं यहाँ बोल रही हूँ, कहीं आपने कुछ सुना हो या कुछ आपको मिला हो? मैं तो वहाँ चुपचाप अपने, मेरे को तो वहाँ पे हमें कुछ क्या सूझेगा, जिसके बाप को गिल्ट करा, हम तो अपने खुशी खुशी गए थे कि भी हाँ भी सुबह जाएंगे और शाम तक अपने बाप को वापस आ जाएंगे खुशी, वहाँ पे जाते जब ये पता चला कि हमारे उल्टा आ गया तो वहां तो दिमाग ही काम नहीं होता, डिप्रेशन। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, एक चीज और बताइए हनीप्रीत, इस पूरे मामले में जो सबसे बड़ा सवाल या निशान लग रहा है वो आपके और जो गुरुजी हैं
राम रहीम, उनके रिश्तों को लेकर क्यों बार बार ये कहा जा रहा है कि भाई गलत संबंध है, इस तरह के संबंध है? मुझे समझ नहीं आता ये, मतलब एक बाप बेटी के रिश्ते को उछालने की इतनी, इतने पवित्र रिश्ता होता है, मुझे बताइए, एक बाप बेटी का रिश्ता इतना पवित्र रिश्ता होता है, उसको उछालना इतनी बुरी तरह से, मैं हमारा इतनी, मेरा मेन डर का कारण ये था कि भी इन्होंने एक हनीप्रीत को क्या प्रेजेंट किया, एक बाप बेटे के रिश्ते का इतना तार तार किया। मैं पूछना चाहूंगी एक बाप को कि क्या वो अपनी बेटी के सिर पे हाथ नहीं रखता। मैं पूछना चाहूंगी उस बेटी से, क्या बेटी अपने बाप से लाड़ नहीं? इन्होंने ऐसी क्या चीज देख ली, इनको क्या सा ऐसा सबूत मिला है जो इन्होंने मेरे पे ये इल्जाम लगाया? ये इल्जाम दरअसल आपके डेरे के कुछ लोग और खासकर जो विश्वास गुप्ता ने भी ये बात आकर, मैं कहती हूँ जो डेरे के खास लोग हैं वो खास हैं, क्या उनको कोई जानता है? वो कौन है? वो कोई भी नहीं है। विश्वास गुप्ता की बात करते हो, वो मैं उस टॉपिक पे मैं बात ही नहीं करना चाहती। अच्छा हनीप्रीत, एक चीज बताइए, आप कह रही हैं कि भी बेगुनाह है और ये चीज सबको पता है कि जब ये दंगे भड़के उस समय आप अदालत में मौजूद थी, लेकिन सवाल ये खड़ा हो रहा है कि आप पुलिस के सामने क्यों नहीं पेश होते? पुलिस कह रही है कि भाई आइए आप सरेंडर करिए। आप मेरी कंडीशन समझिए ना, जिसने जो अपने बाप के साथ देशभक्ति की मूवीज बनाती थी लड़की है, जिस बाप ने उसको ये कूट कूट के भर दिया था कि भी जिएंगे मरेंगे मर मिटेंगे देश के लिए, उसके वो एक तो बाप को अंदर चले गए जो सोच भी नहीं सकते थे, उसके बाद एक जो खून का कहते, उसके बाद उसी लड़की पे आ रहा देशद्रोही का आ गया, तो मैं तो डिप्रेशन में ही चली गई थी। ये भी जो कानूनी करा, हमें पता भी नहीं था कि कानून की प्रक्रिया क्या होती है, कैसे हमने क्या करना है, जैसे मुझे मिला और जैसे मुझे समझ आई, जैसे मुझे किसी ने गाइड किया, क्योंकि सारे चीज तो हमारे लिए, जब पापा चले गए तो हमारे लिए सब कुछ खत्म हो गया था, उसके बाद जैसे हमें किसी ने गाइड किया मैं आगे आई, मैं दिल्ली गई, जैसे जैसे समझ आई और जैसे अब मैं अब आगे जाके अपना अब फिर जाऊंगी और हरियाणा पंजाब में कहा है तो अपना वहां पे भी जाऊंगी, हरियाणा पंजाब हाईकोर्ट में भी जाऊंगी और अपना वो करूंगी, पीछे नहीं हटी। लेकिन जितना कुछ मेंटल स्थिति संभलने में भी तो टाइम लगा कि भी ये हो क्या गया, छुपी नहीं थी, लेकिन जब बेगुनाह को एकदम जो जिसने कभी कीड़ी भी ना मारी उसके ऊपर देशद्रोही का आ गया, वो संभलना मेरे लिए बहुत मुश्किल से था। एक अभी आपने फिल्मों की बात करी, मूवीज की, इसको भी कहा जा रहा है कि आप जो है गुरुजी को फिल्मों में आप लेकर आई और आपने ही बॉम्बे में स्टूडियो खुलवाए और आपकी इच्छा थी कि भाई आप बॉलीवुड में जाना चाहती थी। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था। जिन्होंने काफी, अगर जो इंटरव्यूज जिन्होंने ली है, मेरे पीछे इंटरव्यूज भी देखे होंगे, उनको भी पता है कि मैं तो इस लाइन में आना ही नहीं चाहती थी। मैं तो जब मेरा इसमें आया तो मैं हमेशा ही कहती थी कि मुझे बैक कैमरा मुझे पसंद है, अगर मुझे करना है तो मुझे बाद में मुझे शौक हुआ कि भी डायरेक्टर बनूं मैं, तो मैं एज ए डायरेक्टर ही मुझे था, मूवीज का तो मुझे शौक ही नहीं था, एज अ हीरोइन आने का या ऐसा, सारी चीजें मुझे समझ ही नहीं आई। ये कहते हैं ना कि पंख की डार बनती है, ये तो पंख भी नहीं है, ये बनाया किसने, क्या किया, ये कुछ समझ नहीं आया। अच्छा, डेरे में जो एक्टिविटीज है उनको लेकर बहुत सारे सवाल उठाए जा रहे हैं कि नरकंकाल हैं, वहाँ लोगों को मार के दबा दिया जाता था, और जो है गुरुजी जो आपके हैं उनके ऊपर कि भाई वो लड़कियों का शोषण करते थे, बहुत सारे इस तरह की बातें हैं। मुझे ये बताइए, नरकंकाल मिले? बातें तो बहुत उछल रही हैं, क्या मिले नरकंकाल? जो पापा जी की जो भलाई वाले, मानवता भलाई के कार्य तो किसी ने नहीं दिखाए, नरकंकाल मिले? जो शोषण किया, जो दो लड़कियां वो मिली, कह रही हैं जो आपके जो मेरे पापा बेगुनाह हैं और आने वाले टाइम में देखना वो सामने आएगा जो उन पे हुआ है, हम आगे जाएंगे, आगे हम करेंगे, आगे का करेंगे और उस पे मेरे पापा बेगुनाह आएंगे। जो दो लड़कियां जो सामने आई नहीं, जो हजारों लड़कियां उनकी सुनवाई नहीं होगी, बिना चिट्ठी जो एक मिली है, चिट्ठी के बुनियाद पे भी कभी ऐसा कुछ होता है? तो अब आप इसको कानूनी लड़ाई किस तरीके से लड़ेंगी, क्योंकि आप देखिए आपको भी आरोपी बनाया हुआ है, तो आपको जी, मेरे पापा को पूरा न्याय पे पूरा भरोसा था। देखो अगर भरोसा था तो ही हम कोर्ट में आए, कोई ऐसे अगर होती बात हो तो पापा ने पहले ही कोर्ट में उनका पूरा था, यकीन है हमें न्याय जरूर मिलेगा और मुझे भी पूरा यकीन है कि भी मैं अपने इस मौलिक अधिकारों का करके और मुझे न्याय जरूर मिलेगा। अच्छा, एक ये चीज कहा जा रहा है कि भाई जब आप रोहतक से निकले तो इतने दिन तक आप कहाँ रहे? मैं पहले बात, जैसे
आपको समझ नहीं आ रहा था? समझ नहीं आ रहा था मुझे. मैं फिर एक जहाँ पे भी रही, फिर उसके बाद मैंने कोशिश करके फिर मैं दिल्ली गई. दिल्ली करने के बाद अब मैं हरियाणा पंजाब कोर्ट में जाऊंगी. तो आप सरेंडर करेंगे कोर्ट में? मैं अभी कानूनी सलाह लेंगे. हाँ, कानूनी सलाह लूंगी. तो हनीप्रीत इंसा हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत सारे बातों पर पहलुओं पर इनसे बातें हुई हैं, बहुत सारी बातें इन्होंने बताई हैं, फिल्मों की बात इन्होंने बताई है और कहा कि जो रिश्ते पर सवाल उठाए जा रहे हैं वो एक बाप और बेटी का रिश्ता है और जो जिस तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं वो बेबुनियाद हैं. और इसके अलावा अगर आप कुछ कहना चाहें, बहुत सारे लोग आपके जो है सुनना चाहते हैं. हनीप्रीत, कुछ आखिरी बात आपको संदेश आप कहना चाहें किसी तरह का? मैं सारों को ये कहना चाहती हूँ कि भी मैं निर्दोष हूँ, मेरे पापा निर्दोष हैं. एक दिन जरूर ये सामने आएगा, मेरा और मेरे पापा का रिश्ता बिल्कुल बाप बेटी पाक रिश्ता है. वो एक बाप से मैं पूछना चाहूँगी और एक बेटी अपने दिल पे रख के बता दे उनका रिश्ता क्या है. मैं सबको ये कहना चाहूँगी कि भी जितने भी समाज वाले जो भी ये फैलाई जा रही बातें उन पर यकीन ना करें. तो हनीप्रीत इंसा कह रही हैं कि इनके संबंधों पर जो सवाल उठाए जा रहे हैं उन पर यकीन ना करें, एक बाप बेटी का पाक रिश्ता है. और फिलहाल हनीप्रीत हमारे साथ मौजूद हैं और हम आपको बताना चाहेंगे कि हनीप्रीत जो है एक अलग तरह की परिस्थितियों में थी, क्योंकि कई राज्यों की पुलिस, यहाँ तक कि नेपाल की पुलिस, बहुत सारी एजेंसियाँ पीछे लगी हुई थी और इनकी तलाश कर रही थी. फिलहाल हमने इनसे इनको ढूंढा है, इनसे बात की है, अपनी जो है अपनी आप बीती वो खुद हमें बता रही हैं और कह रही हैं कि हम कानून का सम्मान करते हैं और बहुत जल्द जो भी कानूनी कार्रवाई है उसका सामना हनीप्रीत करेंगी. कैमरामैन मनोज सांगवान के साथ सतेंद्र चौहान, आज तक. रिपोर्टर ने हनीप्रीत को खोज निकाला, आज तक के रिपोर्टर ने हनीप्रीत को खोज निकाला, लेकिन पंचकुला के पुलिस कमिश्नर वो कितने बेखबर दिख रहे हैं, सुनिए. जिस हनीप्रीत को पुलिस नहीं ढूंढ पाई है उसको आज तक नहीं ढूंढ निकाला है. बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पंचकुला के कमिश्नर ए के चावला साहब. चावला साहब, आज तक नहीं ढूंढ लिया है हनीप्रीत को, हनीप्रीत दुनिया के सामने है 36 दिनों बाद, लेकिन पुलिस कहाँ कमी रह गई, पुलिस क्यों नहीं पकड़ पाई, क्यों नहीं ढूंढ पाई? देखिए, मैं स्टेज पर यही कहना चाहूंगा कि जो बात उन्होंने इंटरव्यू के अंदर जो अभी दिखाई गई है चैनल पर, उसके अंदर कहा है कि वो शायद सरेंडर करना चाहती हैं या पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट को अप्रोच करना चाहती हैं, तो इस समय मैं इस चीज के ऊपर कोई टिप्पणी नहीं देना चाहूंगा. लेकिन इतना जरूर है कि हमारे पास, पुलिस के पास, अभी तक कोई इंटीमेशन इस बारे में नहीं है उनके सरेंडर करने बारे, और अगर कोई होगी तो मीडिया को जरूर कॉन्फिडेंस में लिया जाएगा. क्या आपके राडार में है, आपको सूचना मिली है कि वो कहाँ पे हैं? अभी तक पुलिस पहुंच नहीं पाई उनसे? हमारे पास जो इनपुट्स हैं हम उसके ऊपर निरंतर काम कर रहे हैं, इसके अंदर कोई कमी नहीं छोड़ेंगे. आपकी राडार में अभी नहीं है हनीप्रीत? मैं उसके बारे में नहीं कहूंगा जी, हमारे राडार पे जो चल रहा है. लेकिन अगर कोई किसी मीडिया चैनल को इंटरव्यू देता है, दैट इज द इंडिविजुअल्स चॉइस. लेकिन आज पुलिस अरेस्ट कर सकती है उनको? हमारे पास, मैं शुरू से कह रहा हूँ, जिस समय पे भी हमारे सामने कहीं पर भी आएंगे हम जरूर अरेस्ट करेंगे. ठीक है, अभी तक कोई स्टेज नहीं है उनके उन तक पहुँचने की, अभी तक नहीं पहुँचे. अगर कोर्ट के अंदर वो अपनी कोई एप्लीकेशन लगाती भी हैं तो हम अपने वर्जन को कोर्ट के अंदर डिफेंड करेंगे. पुलिस की पहुँच से बाहर है अभी, हम उसको जरूर डिफेंड करेंगे. कैमरामैन संजीव के साथ अशोक सिंघल, पंचकुला, आज तक. कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे इस पूरी चर्चा पर, क्योंकि हनीप्रीत तक, आज तक हमारे सहयोगी पहुंच गए हैं. रमन मलिक जो कि बीजेपी प्रवक्ता हैं हरियाणा के, वो इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं. रमन मलिक जी, वही सवाल जो मैं लगातार जवाहर यादव से भी कर रही हूं. रिपोर्टर पहुंच जाता है 38 दिन तक ये महिला पुलिस को चकमा देने में लेकिन कामयाब रहती है, क्या समझे? देखिए, अगर एक व्यक्ति इनकम्युनिकेटो होके एक बिल में छुपना चाहे, हाइबरनेट करना चाहे और वो अपने ट्रेसेस नहीं छोड़ता, एक लीगल, एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है, वो सामने सबके है. लेकिन अगर वो स्वेच्छा से आपके पास आना या किसी और चैनल के पास भी जाके अपना इंटरव्यू दे रहे हैं तो वो स्वेच्छा से एक प्रोपोगंडा करना चाहते हैं. और मैं तो यही चाहूंगा कि वो और करें ताकि कम से कम उनके ट्रैक्स जो वो अभी तक छुपा रहे थे सामने आए. लेकिन बड़ी बात यहाँ पे जो है जिसको अवॉइड करना नहीं चाहिए वो ये है कि अगर एक व्यक्ति ये सोचता है कि वो
गुनहगार नहीं है, जिस अपराध का उसके ऊपर आरोप लगा हुआ है उसके गुनहगार नहीं है, तो क्या उस व्यक्ति को इतने दिन तक छुपना चाहिए? दूसरा बड़ा सवाल, जब आप कोर्ट से गुहार लगाते हैं और कोर्ट ये बोलता है आपको कि आपको पुलिस प्रोटेक्शन और आपको जान को अगर खतरा है तो आप पुलिस के पास जाइए, आपको इंटरिम रिलीफ 12 बजे तक का देते हैं और उसके बाद भी अगर आपको चाहिए रिलीफ तो हम दे रहे हैं आपको कि आप पुलिस के पास जाइए, पुलिस की कस्टडी में आप सेफ रहेंगे, वो तब भी नहीं आता। तो जो इंटेंट है वो मैलाफाइड सामने दिखती है कि आप क्यों छुपाना चाहते हैं। तीसरी बड़ी बात, अगर वो आज आपके पास या किसी और चैनल के पास भी जाते हैं तो वो चैनल के पास जाना और ये बोलना, ठीक है आपकी अपनी स्वतंत्रता है चैनल की और मीडिया की कि जब वो चाहे वो किस चीज़ को डिस्क्लोज करे या नहीं करे, लेकिन एक नागरिक के अधिकार के तरीके से, एक नागरिक के रिस्पॉन्सिबिलिटी के तरीके से लोगों को भी सामने आना चाहिए कि अगर किसी के ऊपर इतने हीनीय से अब आरोप लगे हुए हैं तो उसका सुराग देगी पुलिस। रमन मलिक जी भी जो है रमन मलिक जी दिए गए सहयोग और सुरागों के ऊपर चलती है। रमन मलिक जी, क्या आप अपने आप को सुन रहे थे? क्योंकि बहुत चतुराई से आपने पूरे मामले को मोड़ दिया है। सवाल नंबर एक, आपने तीन तथ्य रखे, मैं तीन तथ्य आपके सामने रखती हूं। एक तो ये आपकी पुलिस की नाकामी है, क्योंकि इस देश की न्याय प्रणाली में जो आरोपित व्यक्ति होता है वो भी अपने को बचाने के लिए पक्ष रखता है, लेकिन सवाल यह है कि आपकी पुलिस की इतनी बड़ी नाकामी रही है कि 7 राज्यों की पुलिस ढूंढ रही है 38 दिन तक, आपकी पुलिस उसको पकड़ नहीं पाई है और अब आप ये कह रहे हैं वो पक्ष अपना रखे ना रखे, दूध का दूध पानी का पानी कोर्ट में होगा, लेकिन इन सब के बीच कैसे पुलिस नाकाम हुई है और ये महिला बता रही है कि इसको इजाजत